Let us start with physical properties of haloalkanes. Physical properties of haloalkanes. इसमें first point हमारा रहेगा about physical state. फिजिकल स्टेट हर एक में आता है, कॉमन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता इसे लर्न करना. फिजिकल स्टेट में हम लोग लिखेंगे कि इन प्योर स्टेट, जब भी हम प्योर हलोअल्केन की बात करेंगे तो इन प्योर स्टेट दे आर कलरलेस. एंड स्वीट स्मेलिंग. प्योर स्टेट में जब भी हम इनकी बात करेंगे तो दे आर कलरलेस एंड स्वीट स्मेलिंग. बट अगर हम यहाँ पर आयोडाइड्स की बात करें तो आयोडाइड्स का हमें पता है कि वो कलर देता है. नॉर्मली येलो कलर हम लोग आयोडाइड का मानते हैं. तो आयोडाइड्स कैन गिव कलर. हमेशा एक एक्सेप्शन हमें साथ में लेकर चलना होता है. उन लोगों ने बोला इन प्योर स्टेट दे आर कलरलेस एंड स्वीट स्मेलिंग, बट आयोडाइड्स कैन गिव कलर. सेकेंड हम लोग बात करेंगे अबाउट सॉल्युबिलिटी. हर एक टॉपिक में, जिस भी चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, दो चीजें मेन होती हैं. एक होता है सॉल्युबिलिटी और एक होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट. तो दो चीजें हम लोगों को हमेशा ध्यान देनी है हर एक चैप्टर में. जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें हमेशा लर्न करनी ही करनी है, समझना ही है. सॉल्युबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हेलोअल्केन्स आर पोलर इन नेचर. थोड़ी सी पोलारिटी इनके अंदर होगी ही होगी, बिकॉज हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, 17 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव. तो हम लोग लिखते हैं हेलोअल्केन्स आर पोलर इन नेचर. अब अगर वो पोलर हैं तो हमारा आंसर होना चाहिए लाइक डिजोल्व्स लाइक. इसका मतलब दे शुड बी सॉल्यूबल इन वाटर, बट दे आर नॉट. इसलिए हमें लर्न करना है, इसलिए हमें ये चीजें समझनी पड़ती. हमने बोला हेलोअल्केन्स आर पोलर इन नेचर बट दे आर स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर. स्पेरिंगली का मतलब रेयरली, कम डिजोल्व होने वाला, लेस सॉल्यूबल जिसे हम बोलते हैं. दे आर लेस सॉल्यूबल इन वाटर. हम ये नहीं बोल रहे कि दे आर इनसॉल्यूबल, बट हमने वर्ड यूज किया दे आर लेस सॉल्यूबल इन वाटर. क्यों लेस सॉल्यूबल है हमें रीजन देना पड़ेगा. रीजन हमारा ये रहेगा कि बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वॉटर. सो दे कैन नॉट ओवरकम द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड एंड फॉर्म द न्यू बॉन्ड विथ वॉटर. Sparingly soluble in water, they because they do not form hydrogen bonds with water. Haloalkane can never form hydrogen bond with water, so they cannot overcome the energy required to break the bond, and hence they are less soluble in water. अब जब वो इसमें soluble नहीं है, it means they are सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक, याद हो गया होगा अब तक नाम, इथर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड. नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम लोग तीन कॉमन वर्ड्स लेते हैं, इथर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड. दे आर कॉल्ड एज नॉन पोलर सॉल्वेंट. तीन दो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कंप्लीट करी. एक पढ़ा हमने फिजिकल स्टेट, वो जनरल एंड प्योर स्टेट, दे आर कलरलेस एंड स्वीट स्मेलिंग बट आयोडाइड्स कैन गिव कलर. सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा जो हमें लर्न करना है,
अबाउट सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी में हम लोग लिखेंगे एलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर, दो दे आर पोलर बट दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर. पानी में डिजोल्व नहीं होंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बहुत कम डिजोल्व होते हैं. इनसॉल्युबल भी अगर हम लिख दें तो हमारा आंसर गलत नहीं होता, बट स्टिल हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल इन वाटर. क्यों नहीं होता? बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. खाली इतना भी अगर आप लिखते हैं तो आपकी लाइन सही मानी जाएगी एंड यू विल गेट द मार्क्स. थर्ड पॉइंट हमारे पास में रहेगा अबाउट डेंसिटी. ये वापस जनरल पॉइंट हुआ, कॉमन है, हर जगह आता है. डेंसिटी के लिए हम लोग बोलते हैं डेंसिटी जनरल टर्म्स में हमारा होता है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी इंक्रीजेस. इसका मतलब कार्बन के नंबर जितने इंक्रीज होंगे उतनी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी. अब इसमें लर्न क्या करना है हम उस पर चले. हमारे पास हेलो, हेलोजन जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, चारों तरह के हमारे पास में पार्ट्स हो सकते हैं, फ्लोराइड्स क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स. हमें ध्यान रखना है कि फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स हैव डेंसिटी लोअर देन दैट ऑफ वाटर. वाटर से इनकी डेंसिटी किसकी? फ्लोराइड्स की और क्लोराइड्स की. हमने ये नहीं बोला कि हम मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड या प्रोपाइल क्लोराइड इनकी बात कर रहे हैं. हमने एक जनरल टर्म यूज किया कि डेंसिटी ऑफ फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर, बट डेंसिटी ऑफ ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर हायर ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर. हायर देन वाटर. हाँ, अगर हम यहां पर ये बोले CH3Cl C2H5Cl, यही पर हम कार्बन के नंबर बढ़ाते जा रहे हैं विद सेम हेलोजन CH3Cl C2H5Cl उसके बाद में C3H7Cl. तो हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी इंक्रीजेस. अब इतनी देर में दो चार की इच्छा हो गई होगी कि मैम फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का मास होता है, क्लोरीन ज्यादा ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास होता है, ब्रोमीन ज्यादा आयोडीन का होता है, तो यहां पर भी तो यही रूल ओबे किया. फिर आपने अलग अलग क्यों पढ़ा दिया, दो अलग अलग चीजें क्यों बताई? इसलिए बताई बच्चा कि यहाँ पर ये वाटर से दो कम आ रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों वाटर से ज्यादा जा रहे हैं. तो वाटर के कंपैरिजन में इन दो की डेंसिटी कम और वाटर के कंपैरिजन में इन दो की डेंसिटी ज्यादा. इन जनरल अगर हम लोग बात करेंगे तो विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी इंक्रीज है डेफिनेटली. फ्लोरीन ज्यादा क्लोरीन की, क्लोरीन ज्यादा ब्रोमीन की और ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन की. इन जनरल हम लोग यही आंसर है और यही राइट है. वाटर के कंपैरिजन में हमें दो पार्ट्स अलग अलग करने, लेस देन वाटर और ग्रेटर देन वाटर. इस तरह से हमारे थ्री पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं. फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए. फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. की बात करें चाहे वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सिर्फ फ्लोरीन वाले, सिर्फ क्लोरीन वाले, सिर्फ ब्रोमीन वाले या सिर्फ आयोडीन वाले, अगर हम इनकी बात करें तो हमारा आंसर अलग आएगा. अगर हम सिर्फ एल्काइल ग्रुप सेम रख रहे हैं इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट CH3F फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद में हमारे पास रहेगा आयोडीन. किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम पॉइंट नंबर ए लेंगे. ए में हम लिखेंगे विथ सेम अल्काइल ग्रुप, सेम अल्काइल ग्रुप CH3 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 CH3.
अल्काइल ग्रुप हमारे पास में सेम आ रहे हैं, जो चेंज हो रहा है वो है हेलोजन, यहाँ पे फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। जब हम लोग इनकी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे पास में रहेगा आयोडीन का, उसके बाद में ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद में सबसे कम किसका जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास है आंसर फ्लोरीन, CH3F, मतलब विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, उस भी आप पे फ्लोरीन का सबसे कम, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। इससे भी कम पॉसिबल है अगर हम पैरेंट हाइड्रोकार्बन की बात करें। एक और पॉइंट उसी में ऐड कर दिया कि पैरेंट हाइड्रोकार्बन, पैरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास CH4 है तो इसका नाम है मीथेन, ये पैरेंट है, इसमें से हमने एक H कम किया, इट इज CH3, और यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया ये हमारा हेलोजन, तो जो CH4 वाला पार्ट था दैट CH4 इज कॉल्ड एज मीथेन यानी पैरेंट, और ये वाला है उसके जो भी प्रोडक्ट्स बने वो, तो पैरेंट के कंपैरिजन में CH4 का सबसे कम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम इस तरह से उसे इंक्रीज करेंगे। उसके बाद में बी पॉइंट आप लोग लेंगे, बी पॉइंट में हमारे पास रहेगा विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, इट मींस हमारे पास यहां पर है CH3 CL, उसके बाद CH2 CL2, नंबर बढ़ गए और बढ़ा दीजिए CH CL3 और लास्ट में CCl4। अगर इस तरह का हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे कम आएगा CH3 CL, उससे ज्यादा CH2 CL2, उससे ज्यादा CHCl3 और लास्ट में सबसे ज्यादा CCl4। अगेन रीजन सेम रहेगा, विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, यहां पर भी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ था लेकिन यहाँ इंक्रीज क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के कारण हुआ था, यहाँ पर क्लोरीन के नंबर हमने बढ़ा दिए 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन और 4 क्लोरीन, अगेन सेम थिंग विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। थर्ड हमारे पास में रहेगा आइसोमर्स के लिए, आइसोमर्स का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहाँ पे हमारे पास हो सकता है एन आइसो और नियो, एन आइसो और नियो की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देख लेते हैं एक बार। शायद नीचे समझ में ना आए, एक बार रब करके ऊपर से देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा जा रहा है सी आइसोमर्स के लिए, 1 2 3 4 ब्रोमीन, एन यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन है, ये हो गया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसके बाद में हम लोग यहाँ सेकंड वाला लेंगे आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 1 2 3 4, बाकी सारी जगह आपको हाइड्रोजन यहाँ पर लिखना है, और थर्ड हमारा रहेगा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड 1 2 3 4, यहां पर ब्रोमीन, दिस इज आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या दिख रहा है यहां पर आपके पास में ब्रांच गंदी नजर आ रही है, इसके बाद में यहां पे ब्रांच थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो गई, 1 2 3 4 तो कार्बन, और फिफ्थ नंबर पे आ रहा है हेलोजन, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन, ब्रोमीन जो है वो ब्रांच हो चुका, मतलब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, यहाँ पर कार्बन भी ब्रांच हो चुका और ब्रोमीन भी ब्रांच हो चुका, हमारे पास जो पार्ट है ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो चुका, जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा क्या कहते हैं हम लोग
वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी वंडरवॉल फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। मतलब ये वाला सबसे ज्यादा, इसके बाद में ये वाला और लास्ट में ये वाला। वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा हमारे पास रहेगा एन का, उसके बाद में आएगा आइसो का और लास्ट में हमारे पास में आएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। ये हाईएस्ट, ये उससे कम, वो सबसे कम। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी एक बार फिर से रिवीजन देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, दैट प्रॉपर्टी वॉज फिजिकल स्टेट, या आपकी जनरल प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी सॉल्युबिलिटी। हमने बोला दो दे आर पोलर इन नेचर बट दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वॉटर एंड हेंस दे आर लेस सॉल्युबल इन वॉटर। ये आपका सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट हम लोगों ने पढ़ा अबाउट डेंसिटी। सिंपल, विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास डेंसिटी इंक्रीजेस। ये आपका पहला पॉइंट। लेकिन जब फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन को हम वॉटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स की डेंसिटी कम और ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स की डेंसिटी ज्यादा। फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने लिया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हम लोगों ने थ्री सब पार्ट्स करे। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने लिया फ्लोराइड्स, उसके बाद क्लोराइड्स, उसके बाद ब्रोमाइड्स और उसके बाद आयोडाइड्स। अगर आपके पास आर सेम है तो आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई। सेकेंड वाले में हम लोगों ने लिया कि हेलोजन सेम है, यहां पर आपके पास है आर वन एक्स, उसके बाद आर टू एक्स, आर थ्री एक्स। आर वन आर टू आर थ्री कैसे होने चाहिए? विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लेंगे कि आर थ्री के कार्बन के एटम ज्यादा है एज कम्पेयर टू आर टू, एज कम्पेयर टू सबसे लीस्ट जो रहेंगे वो आर वन। थर्ड पार्ट हम लोगों ने आइसोमर्स कर लिया। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें जब हमने कंपैरिजन किया तो एन आइसो और न्यूटर्शियरी वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जितना कॉम्पैक्ट होगा, सरफेस एरिया जितना कम हो जाएगा, वंडरवॉल फोर्स उतना कम होगा और ब्रांचिंग वंडरवॉल फोर्स उतना कम होगा एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। तो विद ब्रांचिंग वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीजेस एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। फिफ्थ पॉइंट हमारा रहता है इनफ्लेमेबल नेचर। लास्ट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हम कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारा है इनफ्लेमेबल नेचर। इनफ्लेमेबल नेचर में आएगा दे आर लेस इनफ्लेमेबल देन हाइड्रोकार्बन। इसके साथ हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स कंप्लीट होता है। होमवर्क ले लीजिए प्लीज। होमवर्क लिखिए। हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर वन आयोडो ब्यूटेन, हाउ विल यू प्रिपेयर वन आयोडो ब्यूटेन फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ब्यूट वन ईन, ब्यूट वन ईन। सेकेंड वन क्लोरो ब्यूटेन, वन क्लोरो ब्यूटेन एंड थर्ड
ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल. सेकेंड क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एंड आईयूपीएसी नेम, एंड आईयूपीएसी नेम इन द फॉलोइंग रिएक्शंस. फर्स्ट CH3, CH2, CH2, Cl plus NaI in presence of aromatic के ऊपर आपको लिखना है. एसीटोन के साथ में लिखे रिफ्लक्स, अकेला एसीटोन भी चलेगा, एसीटोन के साथ रिफ्लक्स तो ठीक हो गए वो भी चलेगा, जरूरी नहीं दोनों चीजें लिखी जाए. सेकेंड CH3, CH2, CH2, OH plus SOCl2 gives, एरो मार्क लगा के छोड़ दीजिए, आंसर आपको देना है. नेक्स्ट CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, एरो मार्क पे लिखना है पर ऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड. नेक्स्ट CH3, CH2, C डबल बॉन्ड CH2, इस C के नीचे जाएगा CH3, उसके बाद में प्लस HBr, यहां पर एरोमार्क पे आएगा इन एब्सेंस ऑफ पर ऑक्साइड. लास्ट बोर्ड पे प्लीज देखकर, साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस SOCl2 gives. ये आज आप लोगों का होमवर्क है, कल हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे. बाय.